इस जो मुद्दा है उसमें हमें ये पता लगा है कि पिछले कुछ टाइम में ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ हो रही हैं, गौहत्या का मुद्दा किया जा रहा है, तीन तलाक का मुद्दा किया जा रहा है। अभी क्यों ऐसा है कि सडनली जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके बारे में हम लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? रेहान, मोहम्मद रेहान जी। क्यों आए हो यहाँ पे आप? जिस तरह से जुल्म हो रहा है दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इस पर अत्याचार के, इसका प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं ताकि आगे ना हो, सुधार हो। तो क्या बोलना चाहते हो आप सरकार से? सरकार से ये होगा कि जो भी ये जुल्म कर रहे हैं, जो भी जुल्म के खिलाफ, मतलब उन्हें अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि हाँ इस पर एक्शन हो रहा है। ताकि हम तो यूथ हैं इस देश के, क्या करना चाहिए हमें इस बारे में? मोदी सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास करना चाहिए ना। बात करती है जातिवाद से ऊपर उठने की, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है दलित के नाम पर, ऐसा क्यों? सरकार हमारी सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही। अगर वो सबका साथ सबका विकास करेगी तो ये देश सुधर जाएगा, सही राह पर चलेगा। नौजवानों को क्या सोचना चाहिए, क्योंकि पीढ़ी जो है वो चलती आ रही है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो वो लोग कैसे करेंगे फिर? सर, सबसे पहले मैं इस चीज़ पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान एक जमहूरियत का देश है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अब से पहले भी सरकार रहती थी, और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है, जीवात से हूँ, ठीक है। अब से पहले भी सरकार थी और आज भी सरकार है, ठीक है। अब से पहले भी गाय थी, ऐसा नहीं है कि गाय ने 2014 में जन्म लिया, गाय ने 2014 में जन्म लिया। जब से सरकार है, जब से ये जमहूरियत चलती आ रही है, जब से इंसानियत, ये गाय जब थी, जब भी गाय थी, आज भी गाय है, ठीक है। लेकिन इन तीन सालों के अंदर ही ये गाय गाय क्यों हैं? पहले भी गाय थी, पहले भी इंसान इस जमहूरियत में रहते थे, पहले भी इस हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन आज गाय के नाम पर हत्या क्यों है? जुनैद खान को मारा गया, पहलू को मारा गया, मिन्हाज अंसारी को मारा गया, मुख्तार को मारा गया, और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि गाय के नाम पे हत्याएं बंद करो, उसी दिन शाम को फिर एक मर्डर गाय के नाम पे, उसकी गाड़ी जला दी गई, दो उसमें से भागे जो पकड़ा गया उस्मान अंसारी, उसको पीट पीट कर वहीं पे हत्या कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट करते हैं, कभी नोटबंदी पर ट्वीट कर दिया, कभी किसी चीज़ पर ट्वीट कर दिया, इस पर ट्वीट क्यों नहीं करते? इस पर रिएक्शन क्यों नहीं लेते? इस पर कड़ा कानून क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल से नौजवान, अभी मैं नौजवान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर ही ये संविधान जो है टिका हुआ है। क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमें सही तरीके से संविधान को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी और आरएस के संगठन है, जो इनकी सरकार बनी है, ये खाली एक अपनी विचारधारा थोपना चाहती हैं, लेकिन संविधान कुछ और कहता है, ये कुछ और कहते हैं। जब भी किसी की हत्या होती, मुसलमानों और दलितों पे ज़्यादातर हिंदुस्तान में जब से इनकी सरकारें बनी हैं अत्याचार होता आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई ट्वीट भी नहीं करते हैं और रिएक्शन भी नहीं देते हैं। लेकिन क्या लगता है ट्वीट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती, उनकी कोई सुनी नहीं रहा। आरएसएस अपनी विचारधारा को अलग तरीके से चलाना चाह रही है, लेकिन वो एक पब्लिक ही ट्वीट या अपने स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो अंदर तरीके से जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे सही तरीके से। तो दोस्तों, जो नौजवान हैं, जो इस पीढ़ी को जानते हैं और आगे चलाएंगे भी, उनका भी कहना यह है कि जो डिक्टेटरशिप है उसको ख़त्म किया जाए और सबको एक बराबर माना जाए। आपका नाम भाई? मोहम्मद फहीम। बताओ जी फहीम। सर, मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी काफ़ी सरकारें रही हैं, और आपका जैसे कहा जाए कि पहले भी गाय थी, अब ये तीन साल में ही इतने गाय के मुद्दे क्यों? और अगर चलो कोई लेकर भी ज़्यादा है, और अगर वो हत्या भी करता है, तो कानून किस लिए है? आप कानून के तहत उसे पकड़ें, आप कानून सज़ा देगा, आप ऑन द स्पॉट उसे वहीं सज़ा देते हैं, ये कहाँ का संविधान है? एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये देश सबका है, कहाँ सबका है? एक पर्टिकुलर समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, उनको खुला छोड़ा जा रहा है, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है उनके खिलाफ, कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? बस सर, इतने कहना। तो ये सीधा मुस्लिम के अगेंस्ट है? जी बिल्कुल, आप एक भी अलग गैर यहाँ पे मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब लोग हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या कहना है कि सरकार को क्या बोलना है कि अगर किसी पर भी आँच उठती है तो हम सबको उसका खड़े होकर विरोध करना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर नहीं कि इसके साथ हो रहा है, आज हमारे साथ हो रहा है, कल अदर कौम के साथ भी हो सकता है। तो भाई, हाँ जी, हसन भाई आइए, ये हमारे हसन भाई हैं जी। सर, नाम आपका? हसन मोहम्मद मेहदी, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा सर, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? करीब मैं सुबह 10 बजे से आ गया हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे तो 10 बजे। बॉर्न एंड ब्रॉट अप। सो यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर? आई एम इन दिल्ली। यस यस। ओके, डू यू रियली थिंक कि आप जो ये मुद्दा बना रहे हैं, ये जैसे मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, हम लोगों को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमारे से प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक साथ खाते हैं,
एक साथ रहते हैं, एक साथ जॉब भी करते हैं। इस देश के जो राष्ट्रपति है वो भी मुस्लिम थे, APJ अब्दुल कलाम जी। अब मेन मुद्दा क्या है जो हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और सरकार को बोलना चाहिए? आपका नाम क्या है? अजीत शर्मा। अजीत शर्मा, मेरा नाम हसन है, मैं आपको हक करना चाहता हूँ। आप मेरे भाई हैं, वी ऑल आर इंडियन। ये हमारे समाज का ये आईना है। यहाँ सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और जो जिनका कोई रिलीजन नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी हैं। हमें हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज्योग्राफिकली मैं भी हिंदू हूँ, मेरा रिलीजन अलग हो सकता है। हम बहुत सारे इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो हम लोग सब ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है आप दुखी नहीं है? कोई भी एक मासूम को मारा जाए आपको दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि हमारे कार के नीचे एक कुत्ता का बच्चा भी आ जाता है, वो मर जाता है गलती से, तो मुझे अफसोस होता है। तो ये है हमारा भारत। इस भारत को 1947 से आज तक देखिए, कितने कितने महापुरुषों ने, कितने योगियों ने, मुफ्तियों ने बनाया है, संवारा है। तभी तो हम लोग जिना के टू नेशन थ्योरी को लात मार करके छोड़ दिए थे। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लात मार दिया था, उन्होंने सुना नहीं था। मोहम्मद अली जिना के जो बताए हुए रास्ते थे कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, मेरे दादा और मेरे बहुत सारे लोगों ने लात मार दी थी। उन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, हमारे जो पूर्वज हैं वो इस जमीन के अंदर मदफून है, दफन है, ये हमारा भारत है, आपको जाना है आप जाइए। तो वो डिवाइड हो गया। लेकिन अभी आप 2014 से पहले मॉब लिंचिंग का केस नहीं होता था, अब थोड़ा बढ़ गया है। बढ़ा ये कारण है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, तालिबान जब आए, तालिबान का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो जिहादी थे, उनका धर्म हो सकता है इस्लाम है, लेकिन उनसे हम लोग डिसएग्री करते हैं। जब ISIS का कहर जारी हुआ, उन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमान को मारा, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हर जगह अभी भी जी सब जगह इकट्ठा होकर के ISIS के खिलाफ हम लोग सड़कों पे आए, लड़ाई लड़ी, जंतर मंतर पे हम लोगों ने धरना दिया कि हम लोग अपने आप को अलग करके रखते हैं ISIS से, आप हमें फंसाइए मत। पॉलिटिक्स वालों ने खूब कहा, लेकिन हम लोग नौजवान हैं, हम लोग भारतीय पहले हैं। हम मेरे ऑफिस में, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, मेरे ऑफिस में सारे हिंदू हैं। मैं ईद की दावत उनको देता हूँ, वो दिवाली में मुझे बुलाते हैं। ये परंपरा है, ये नेचर है हमारा। बिल्कुल सही। हम लोग ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें मुसलमान ज्यादा मारे जा रहे हैं। तो क्या लगता है वी शुड से द पॉलिटिकल व्यूज है, स्टे आउट ऑफ इट, वी विल मैनेज। आपको जो लॉ है, संविधान है, उसको फॉलो करवाइए। अगर कोई गलती करता है, जो इन्फोर्समेंट है वो स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए। ये लागू नहीं हो रहा है। अगर लागू हो जाए, मोहसिन खान को जब मारा गया था, अगर लागू हो जाता तो ये कंटिन्यू नहीं होता। 1500 लोग मारे गए। अभी झारखंड में 4 हिंदू बच्चों को मारा गया, बच्चा चोरी के नाम में, आप जानते होंगे। जो दादी मादी वो इस तरह से चीख रही हैं, कह रही हैं कि अरे मैं हिंदू हूँ, मुझे तो मत मारो, लेकिन भीड़ ने नहीं सुना, मारा। आज वो हॉस्पिटल में कोमा में है बेचारी, उनका क्या कसूर है? मुसलमान खाली नहीं हो रहे इसमें हिंदू भी हो रहे हैं, दलित भी हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग सिर्फ इसलिए है कि अभी जो चल रहा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश है। इमोशनल चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, इमोशनली लोगों को ये बताया जा रहा है ताकि वो जो मेन इश्यूज़ हैं, हम यूथ, हम दूर हो जाए। चाहते बिल्कुल, बिल्कुल। हम मॉब नहीं चाहते, हम जॉब चाहते हैं। हमारा जो समाज 10 लोग मिलकर एक को मार रहे हैं, एक तो मर गया मेरा बच्चा, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन उस जो मारा है 10, वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी भारतीय है, वो भी हमारा भाई है, बच्चा है, हम उसे माफ करेंगे, लेकिन वो कातिल तो हो गया। आप इस प्रोस्पेक्टिव में क्यों नहीं सोचते? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट द 10 पीपल आर द किलर, दे हैव टू गो थ्रू अंडर IPC 302-307। उन लोगों की जिंदगी तो खराब हो गई। Absolutely. जो उकसाने वाला है, जो भीड़ तंत्र को इकट्ठा कर रहा है, जिसको फंडिंग कर रहा है, हमारे नौजवान बच्चों को कह रहा मारो, लेकिन उसका फ्यूचर क्या होगा? एक तरीके से इनको जो वो कर रहे हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो अब जिहाद कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए? अपनी देखिए, जिहाद जो है वो नब्ज पे काबू पाने का नाम है जिहाद। अभी जिहाद, यू सेड इट, फंडिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों को कि आप ये करो, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। देखिए, फंडिंग तो हो रहा है कहीं ना कहीं से। अगर फंडिंग नहीं होता तो जो मारने वाले थे पहलू खां को, उसको सरेआम ये नहीं कहा जाता कि आप भगत सिंह हो। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो क्लिप्स हैं, YouTube में अवेलेबल है, आप लोगों ने टेलीकास्ट किया है ना, कि एक हमारी पूजनीय जो साधु है, साधु कौन है वो, उनके पास मैं जाता हूँ मंदिर के इसमें, जब मैं जाके बैठता हूँ मुझे इतना शांति मिलता है। मेरे सारे दोस्त हिंदू, मैं जाता हूँ अक्सर वहाँ पर, आप जाइए,
कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाइए आप, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, वहाँ जाएंगे तो आपको एक शांति मिलेगी, वहाँ स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, वो नफरत नहीं सिखाते। कुछ लोग हैं जो जो जानबूझ के करा रहे हैं ताकि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो कामयाब हो। ये आज का जो भीड़ है आज यहाँ, ये भीड़ तंत्र के खिलाफ है, ये संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए ये भीड़ जमा है, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें। ये हमारा हिस्ट्री है, मिली जुली संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब आपको सब जगह मिलेगा। ये बनारस के घाट में भी मिलेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में भी मिलेगा, और आप शीशगंज रकाबगंज गुरुद्वारे में जाएं वहाँ भी मिलेगा, है ना, अक्षरधाम मंदिर जाएं वहाँ भी मिलेगा, जामा मस्जिद में भी मिलेगा। धन्यवाद सर।